की स्पीच हमेशा स्टूडेंट के अराउंड ही रिवॉल्व करती है जब भी। तो हमारा जो अभी मैं थोड़ा समय लूँगा आपका, वो टोटली डिवोटेड डेडिकेटेड होगा सिर्फ तुम्ही लोगों के लिए ना, बाकी स्पीच से कुछ खास लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंस के 76 साल तो हो गए, लेकिन इस इंडिपेंडेंस के एक्चुअली में तुम्हारे लिए क्या मायने हैं, अभी इससे क्या तुमको सीखना चाहिए या किस तरीके से ये तुम्हारे लाइफ को बदल सकता है, अगर यहाँ से लर्निंग लेने की कोशिश करो तो। थोड़ा सा दूसरे, आप क्योंकि स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन कर रहे हो डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, कुछ लोग अभी नए नए आए होंगे, कुछ लोग एक दो साल से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या हो सकता है अभी एक दो साल लग जाए प्रिपरेशन में भी नए नए आए हुए हो, तो क्या लर्निंग ले सकते हो फ्रीडम फाइटर से, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ और कहीं ने तो उनकी पूरी फैमिली उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी इंडिपेंडेंस के लिए। पहली चीज़, जब भी वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट रिवेल किए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, अब यहाँ हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ाई जा सकती, आपके हिस्ट्री टीचर आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा सा आप रिकॉल कर सकते हो, अपने आपने टीचर्स ने पढ़ाया या बुक्स में पढ़ा है तो देखा होगा, बहुत ही टाइम बाउंडेड मैनर में वो रिवोल्ट करते थे। आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अभी? उनका एक एम होता था, टारगेट होता था किसी भी रिवोल्ट का, किसी भी रिबेल का, और वो टाइम बाउंडेड होता था। उस समय के अंदर उनको वो इवेंट करना है, वो एपिसोड हर हाल में करना है। ऐसे कर करके उनके कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों को उन्होंने कंपेल कर दिया, नाउ यू हैव टू लीव इंडिया। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि उनके पास क्या था, समय निश्चित कर लेते थे वो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई मीन? तुम क्या सीख सकते हो उनसे? तुम्हें बोध बनने की जरूरत है, ये ध्यान रखना। तुम्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं करना, पर्सनालिटी पे भी काम करना है। और इसके लिए मैं तो ये भी कहूँगा, तुम्हारे डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि हर 5-6 लड़कों के ऊपर एक इन्विजिलेटर या एक टीचर ऐसा हो जो तुम्हारे सारे डेली रूटीन को चेक करे, कि तुम सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक क्या करते हो। ऐसा तो नहीं कि तुम आज़ादी का कुछ गलत मतलब समझ गए हो, सुबह से शाम सोने तक सिर्फ सोते ही रह रहे हो, ना खेल रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो आज़ादी में थोड़ा सा लिमिट लगाए वो टीचर, जिससे तुम लोग एक्चुअली आज़ाद हो सको। अरे वेटिंग नहीं, तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ अगले इंडिपेंडेंस डे पे जब मिलोगे, जैसे एक बच्चा यहाँ सेलेक्ट होकर के बैठा है अभी, आनंद चौहान ने बताया मुझे, वैसे ही मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कम 10-20-50 और मैं तो चाहूँगा सारे के सारे सेलेक्ट होकर के यहाँ बैठे ना। अगली बार मिलोगे? आर यू श्योर? चलो ठीक है, दैट्स इट। जय हिंद। आप सभी को शुभकामनाएं देंगे उज्जवल। ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, जो दुश्मन का शीश काट दे वो यंत्र काम में आता है। सात लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, अरे 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से 100 ही हथियार उठा लेते, दुश्मन की छाती पे सीधे जाकर तन जाते तुम, कुछ दिन के लिए खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। पाप का झंडा ना होता, अरे पाप का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी पर, अरे पाप का झंडा ना होता हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे होते कश्मीरी घाटी में, हर हर महादेव के नारे होते कश्मीरी घाटी में। इसीलिए सब लोग हाथ उठा के कहो हर हर महादेव।
virtue and simplicity, I would like to call Singh sir for this. Thank you so very much. Independence Day to all of you. First of all, honorable sir, Abhay sir, and many other distinguished gentlemen, thank you very much. It is a great honor for calling me here, speaking in front of such a radiant audience. Thank you very much. And sir ne bola ki man of simplicity, I wonder, but it is all good. He is also fellow gentleman. So, मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए तो है नहीं, because all the good people, wonderful personalities are sitting around me. So, I am still learning from all of them. But कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा लगा है, you need to just give a second thought to them. Like, written or some qualified, some not, but they have fair enough. I'm actually feeling a little awkward, some people looking down, some people all seniors to me. And honorable Abhay sir also asked me, so I have no way to skip, but anyway, I want everybody to be alert, and this is not a fun. This was a first registered under 116 IPC, and then there are other sections involved of Indian Penal Code. So don't worry, I'll start with that. So the story is something like that. I don't know, because I don't find it a very suitable moment, because today is the day of independence, and while I was talking, I was incarcerated in the jail in Bahraiz. So I don't know why Mr. Chauhan has asked me, but anyway, since I've been asked, so there's no point to disobey. Anyway, I want everybody to be alert. The way you are sitting, most of you look like you're dead. So don't be dead. And those guys in the corner, I think you don't like standing all the day way around. Right? Am I audible, everyone? Yes, sir. Clearly audible? Yes, sir. So, I request not to laugh in this. Please try not to laugh, because this is a pain, right? So, aisa kuch tha when I was in 12th standard, a few years back. So like everyone, I also met a girl, right? A girl, I hardly realized that by the time I realized she was with me, she was gone. And as you understand, I don't look like a gentleman anymore. So something happened that landed me in jail somewhere, right? So I wrote this kavita in Hindi kavita inside the prison, right? So let me narrate you in a brief actually what happened. वहाँ मुझे कापी कलम तो मिला नहीं, तो कोई एक वो पड़ा हुआ था, क्या कहते हैं, वो जो साड़ी जिसमें आता उसका रैपर पड़ा हुआ था, एंड द थॉट्स वर इन माई माइंड, सो आई जस्ट रोट देम डाउन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट. सो सर जेंटलमैन, ओके, सो इट वॉज लाइक दिस कि मेरी त्रुटिका या प्रतिफल, इट्स लिटिल हिंदी, सो प्लीज फॉरगिव मी. And I think you are from ICSE board, unlike me from Uttar Pradesh board. Anyway, you will cooperate with me. Meri trutika yah pratiphal hai, mila jo mujhko karagar, bhavuk ur ka mana kehna kiya jo rani tuse pyar. By the way, it's a Hindi word, so little cooperation is needed. So meri trutika yah pratiphal hai, mila jo mujhko karagar, bhavuk ur matlab hriday heart. भावुक उर का माना कहना किया जो रानी तुझसे प्यार, मैंने तुझे बनाया अपना दिया तुझे उर का उपहार. आई प्रेजेंटेड यू विद हार्ट. मैंने तुझे बनाया अपना दिया तुझे उर का उपहार, आलिंगन में तेरे बंध कर सीखा चुम्बन का व्यापार. आलिंगन में तेरे बंध कर सीखा चुम्बन क्या व्यापार, परिणय उर से करके उर का, परिणय उर से करके उर का, पाया स्वर्गिक सुख संसार, पतझड़ भी आएगा एक दिन, भूल गया मैं देख बहार. पतझड़ भी आएगा एक दिन, भूल गया मैं देख बहार, वचन दिया था बनकर दूल्हा आऊंगा मैं तेरे द्वार. वचन दिया था बनकर दूल्हा आऊंगा मैं तेरे द्वार,
बाजे गाजे और बराती सजी पालकी चार कहार रहे पालते स्वप्न वर्ष भर रहे पालते स्वप्न वर्ष भर नहीं हुआ सपना साकार तेरे घर वालों ने लूटा मुझको भरे हुए बाजार तेरे घर वालों ने लूटा मुझको भरे हुए बाजार ब्याह किया मेरा ना उन्होंने ब्याह किया मेरा ना उन्होंने नहीं किया मुझको स्वीकार गोरखपुर ब्याह कर तुझको मुझको दिया वियोग अपार गोरखपुर ब्याह कर इट्स अ वेरी पेनफुल हाउ यू गाइस आर एंजॉयिंग आई डोंट नो हाँ दिस सीरियस इट्स अ वेरी पेनफुल एंड यू गाइस आर हैविंग फन एनीवे सो गोरखपुर ब्याह कर तुझको मुझको दिया वियोग अपार जब से तू हो गई पराई जब से तू हो गई पराई नहीं मिला मेरा अधिकार मतवाली मदिरामन भाई मतवाली मदिरामन भाई भूला व्यथा वियोग विकार दैनिक चर्या चित होकर मैं रातों दिन पीता मदिरा दैनिक चर्या चित मतलब आई जस्ट कंप्लीटली फॉरसेकन द डेली स्केड्यूल व्हिच वाज टफ टू कीप दैट टाइम Right? You can't understand. Right? So, दैनिक चर्या चित होकर मैं रातों दिन पीता मदिरा मदिरालय में कहीं पड़ा तो कहीं सड़क पे कहीं गिरा मदिरालय में कहीं पड़ा तो this happened in हजरतगंज also. You remember? All right. So, मदिरालय में कहीं पड़ा तो कहीं सड़क पे कहीं गिरा बिकॉज ही हैज बीन अ पार्टनर इन क्राइम दिस फेलो जेंटलमैन राइट सो एनीवेज सो मदिरालय में कहीं पड़ा तो कहीं सड़क पर कहीं गिरा नाउ व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द सोसाइटी द वन पीपल द वन ऑर्गेनाइजेशन यू आर ओनली कॉट बाय दैट इज पुलिस डिपार्टमेंट That sometime they are called in RHC in Hindi. So मदिरालय में कहीं पड़ा तो कहीं सड़क पे कहीं गिरा आरक्षी विभाग के सब अधिकारी मेरे सब हो गए विरुद्ध चाटुकारिता के चक्कर में वह सब रहते मुझसे क्रुद्ध तभी घट गई एक दुर्घटना तभी घट गई एक दुर्घटना जिसने मुझको निगल लिया मिथ्या दोषारोपण करके मुझको सेवा मुक्त किया मानव वध प्रयास का अटेम्प्ट टू मर्डर 307 आई थिंक इट वॉज 307 Actually, I mean, four semesters, some sections are missing, actually. मानव वध प्रयास का मुझ पर किया गया झूठा आरोप सिद्ध दोष कर न्यायालय ने भी दिखलाया अपना कोप 5 वर्ष का सश्रम कारावास दिया न्यायालय ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास दिया न्यायालय ने इस संकट में मेरा साथ दिया मदिरालय ने इस संकट में मेरा साथ दिया मदिरालय में नाउ द लास्ट टू लाइन्स आई थिंक देन वी शुड एंड बिकॉज इफ यू आस्क मी कंटिन्यू स्पीकिंग आई माइट क्राई इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स राइट सो इस संकट में मेरा साथ दिया मदिरालय ने नाउ एटलीस्ट दिस ऑल थिंग्स हैपेंड विद मी देन व्हाट शुड बी आउटकम स्मृति एकाकी क्षण सम टाइम इन द आइसोलेशन स्मृति एकाकी क्षण में स्मृत होता है तेरा प्यार रानी तेरे लिए अनूप अब झेल रहा है कारागार लास्ट लाइन तेरी इस लिटिल टफ लाइन आई थिंक बट एनीवे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड तेरी स्मृति का संबल है तेरी दिस इज अ रिमिनिसेंस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग सो तेरी स्मृति का संबल है तेरी स्मृति प्राणाधार निष्ठुर अब तो आकर दे जान चुम्बन का मीठा उपहार आई थिंक देयर वॉज नथिंग टू लाफ एट इट बट इट्स ऑल राइट यू आई थिंक दिस इज नॉट गुड एट द एंड तो थैंक यू जेंटलमैन एंड आई वॉन्ट टू अगेन से लाइफ इज ब्यूटिफुल ट्रूली एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स आफ्टर एनडीए एंड बिफोर सीडीएस थैंक यू वेरी मच जय हिंद आशीष कुशवाहा जी अभी फाइनली रिकमेंड हो चुके हैं SSB भी सब हो चुका है इनका बस फाइनल मेरिट आना बाकी है आई विल लाइक टू कॉल आशीष कुशवाहा सो दैट ही कैन शेयर सम एक्सपीरियंस
ऑफ हिज जर्नी ऑफ एनडीए, कैसे तैयारी करी, कैसे सिलेक्शन, जो अल्टीमेट हमारा एम और गोल है जिसके लिए हम सब इस कमरे में बैठे हैं। आशीष कुशवाहा। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी एंड सभी सरों को गुड मॉर्निंग सर। सर कईयों से मैं मिला हूँ, आप में से कईयों ने आप मेरे को पढ़ाया है, तो वही सब चीज़ें एट लास्ट काउंट की जाती हैं, वही सब चीज़ें मैं सोचता हूँ, उन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज मैं उधर बैठा हूँ सर। और आज जैसे कि बहुत आज बड़ा बड़ी चीज़ है आज हम सब के लिए, तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज़ादी हमको मिली है इसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस है, और कोई भी चीज़ हमको मिलती है वो ऐसी नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस रहता है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपना मेंटल स्टेट क्लियर करना है कि हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे सर लोगों ने एग्जांपल दिया, जो सर ने अभी बताया वो सब अमृत निकला मुंह से, जिसने उसको समझ के अपने पास रख लिया वो तो 100% उसका भला हो जाएगा, एनडीए हो ना हो उसका ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाकी जैसे सर ने बताया कि इंडिपेंडेंस हम क्या सीख सकते हैं, तो ऐसे ही मेरे पास भी एक कहानी है जिसे हम सीख सकते हैं। जैसे कि गांधी जी थे, तो जब वो एंटर किए वो एक फॉरेन से आए थे वो, तो इंडिया में वो इतने पॉपुलर कैसे हुए, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी स्ट्रैटेजी सब कुछ क्लियर रखी थी। नहीं तो ऐसी थोड़ा कोई बाहर से कोई बंदा आएगा और इंडिया में इतना उसको पॉपुलर किया जाएगा, उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था, इंडिया में आके ऐसे ऐसे करना है। वो 2 साल तो घूमते रहे कि पहले वो समझे कि हाँ मेरे को अपनी ड्रेस चेंज करने पड़ेगी। वो आए थे फॉरेन से तो वो कोट पैंट पहन के आते थे, तो वो सबसे पहले चीज़ें समझे कि अब इंडिया में आया हूँ तो इंडिया की तरफ वेशभूषा मेरे को करनी पड़ेगी। 2 साल घूमे, सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किए, उसके बाद अपना प्लान बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए। तो ऐसी अगर सफलता चाहिए तो हर चीज़ के लिए एक प्लान स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आप लोगों को, तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो इस टाइम आप अपना फ़ोन वोन बिल्कुल बंद कर दीजिए, मॉक वॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, और सर्वर से पूरा गाइडेंस लीजिए। अभी जो लास्ट में महापाठशालाएं चलेंगे उनको पूरा अटेंड कीजिए, अपने सभी नोट्स को रिवाइज कीजिए। और मेन चीज़ है कि बच्चे डर भी जाते हैं कि हाँ मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन अब पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सब डरने कोई मतलब नहीं है। बस एट लास्ट आपको रात में नींद अच्छी आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना कर्म करना है। जैसे ही कृष्ण जी ने कहा है कर्म तुम्हारे हाथ में है, अपना बस काम करो, बाकी सक्सेस बाहर में जाए, मिल रही अच्छा है नहीं मिल रही कोई बात नहीं, क्योंकि अगर तुम अपना काम पूरे अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ना तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे तुमको, ना तुम्हारे टीचर बोलेंगे कि तुमने अपना काम नहीं किया। तो बस पूरा जोर लगा दो अपने काम के ऊपर, और बाकी अगर कोई भी हेल्प हो तो टीचर्स हमेशा हैं, मैं भी अभी फ्री हूँ, कोई भी हेल्प हो तो आप हमेशा कंसल्ट कर सकते हैं, कोई उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। और बस यही कहना चाहूँगा, अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, फ़ोन वोन बिल्कुल बंद कर दीजिए और पूरा टाइम स्टडीज पर लगा दीजिए। थैंक यू। थैंक यू।